बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब, सेशन की कार्रवाई का बाकायदा आगाज करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जी और आगे चलते हैं। सबसे पहले मेरी प्रोफाइल आपको नजर आ रही होगी, अकाउंटिंग के हवाले से कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन सी चीजें मैं टीच करता हूँ सीए के अंदर। PRC 2 का सब्जेक्ट जिसकी कल रिविजन सेशन हुई है, उसका पहला सेशन हुआ PRC 4, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, CAF 1, जो कि इस वक्त आपका अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 है, और दूसरा जो पेपर है CAF 5 FAR 2। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं नियर पीयर पे टीच करता हूँ। CMLDC के ऊपर भी गाहे बगाहे इसकी लाइव क्लासेस चलती रहती हैं। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट और इस तरह की चीजें आपके सामने यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। ये जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का रिवीजन सेशन है, ये इससे पहले भी मैं करवाता रहा हूँ, क्योंकि पहले ये सब्जेक्ट कैफ में होता था और कैफ में इसको CAF 1 कहते होते थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जो मैंने पास्ट में रिवीजन सेशंस करवाए हैं उसके बाद स्टूडेंट से एक फीडबैक लिया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट का फीडबैक आप लोगों के सामने है। डिफरेंट स्टूडेंट रेटेड क्लास, टीचिंग एक्सपर्टीज एंड कमांड ओवर सब्जेक्ट, और फिर जो चीजें उन्होंने बताई हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी। बहरहाल, बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैं अपनी तारीफें नहीं करूंगा, हम लोग आगे चलते हैं जी। अपना टॉपिक शुरू करते हैं। PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इज द फर्स्ट पेपर जो कि आपको बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बताएगा। अगर हम लोग अकाउंटिंग की स्ट्रीम की बात करें जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपके पास है, तो जनाब सबसे पहले आप PRC 4 का पेपर पढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। फिर इसके बाद अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्ट्रीम का जो दूसरा पेपर आता है वो आता है जी CAF 1, विच इज कॉल्ड FAR 1। फिर तीसरा पेपर भी कैफ स्टेज पे ही अकाउंटिंग का आपको पढ़ना पड़ता है, दैट इज CAF 5 FAR 2। चौथा पेपर जो अकाउंटिंग स्ट्रीम का आपको पढ़ना पड़ता है वो CFAP लेवल पे होता है, CFAP 01, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और जो पांचवा पेपर आपको इसमें पढ़ना पड़ता है वो होता है जी MSA 1, ठीक है जी, MSA मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट 1। और ये जो MSA 1 है इसमें आप समझ लें कि अकाउंटिंग की मेराज है CFAP 1 और MSA के पेपर्स। तो अकाउंटिंग की जो स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम आपको CA के अंदर इन पांच पेपर्स में पढ़ाई जाएगी, और इन पांचों पेपर्स की जो बेसिक है वो स्टार्ट होती है PRC 4 से। इसका मतलब ये है कि PRC 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर योर कैफ, फॉर योर PRC, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर आपकी आगे चार मजीद पेपर्स की बेस डिजाइन होती है। इस पेपर को अगर आपने ठीक से तैयार ना किया और सिर्फ पास होने के लिए तैयारी करते रहे, और खास तौर पे बच्चे क्या करते हैं पेपर के अंदर वो चॉइस पे चीजें कुछ छोड़ देते हैं, कुछ टॉपिक्स, कुछ एरियाज छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि आप 100% सिलेबस कवर करें अपना PRC 4 का। जो मुझे जानते हैं QM के हवाले से, उनको पता है कि मैं QM के अंदर एक ऑर्डर ऑफ स्टडी बताता होता हूँ कि यार इस ऑर्डर से करना शुरू कर दें, पहले करें फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा। तो मैं पूरे सिलेबस को एक ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता हूँ और उसे कहता हूँ कि इस ऑर्डर से चलते जाएं, जितना हो जाए कर लें। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर, यानी कि PRC 4 के अंदर, आपने ऐसे नहीं करना। पहले कुछ ऐसे एरियाज हुआ करते थे जिनके बारे में मैं कहता था ठीक है चलो, अगर तुम नहीं तैयार कर सके तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, बाकी चीजें तैयार कर लो। सवाल इसका आ गया तो आपकी किस्मत, ना आया तो आपकी किस्मत, लेकिन आगे अगले लेवल्स के ऊपर ये टॉपिक आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अब PRC 4 के सिलेबस के अंदर तमाम इंपॉर्टेंट चीजें शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर छोड़ेंगे, इनमें से किसी एरिया को स्किप करेंगे, तो आपके लिए अगले पांच पेपर्स में दिक्कत होने वाली है, अगले चार पेपर्स में,
तो अकाउंटिंग को समझना है और फिर उसके बाद अकाउंटिंग को परफॉर्म करना है ताकि आपकी ना सिर्फ ये पेपर आपका ये वाला पास हो बल्कि अगले पेपर्स की तैयारी भी हो जाए। तो अकाउंटिंग के बारे में समझना शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टारगेट है डेट इज कि हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को समझना है और उसके बाद हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का जिक्र करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक। तो जरा आप गौर से देखिएगा, ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जो मैं यहां पे लिखता हूं। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है जी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रोसेस। अब किसी भी प्रोसेस के बारे में अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसका एक प्रोसेसिंग होगी और इसका एक एंडिंग पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी वॉशिंग मशीन में आप कुछ कपड़े डालते हैं, वो गंदे होते हैं, फिर बाद में वो धुल के बाहर निकल आते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस का कुछ इनपुट है जो कि उस मशीन के अंदर डाला जाएगा, ये समझ लें कि ये प्रोसेस, इसका कुछ इनपुट है और इसका कुछ आउटपुट होता है। जो इनपुट है अकाउंटिंग का वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो है ट्रांजैक्शंस जो कि बिजनेस परफॉर्म करता है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन से मुराद वो एक्टिविटी है जो कि एक बिजनेस परफॉर्म करता है और उस एक्टिविटी के दरमियान में कैश इन्वॉल्व होता है इमीडिएटली से मुराद है कि आप कैश देते हैं चीज ले लेते हैं, या चीज देते हैं और कैश ले लेते हैं, या अल्टीमेटली, इमीडिएटली या अल्टीमेटली का, अल्टीमेटली का क्या मतलब है कि आखिरकार उसमें कैश इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी आपने क्या किया कि आपने कोई चीजें उठा ली किसी दुकान से उधार पे और उसको कैश नहीं दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपको 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जितनी आपकी क्रेडिट टर्म है आपको कैश देना पड़ेगा। तो बहुत सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कैश मीन कैश इन बैंक, और इंफॉर्मेशन इस अकाउंटिंग प्रोसेस का इनपुट कंसिडर की जाती है। फिर इसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे, तो जो भी प्रोसेसिंग होती है ये आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे। लेकिन जब ये प्रोसेसिंग हो जाती है तो जो फाइनल आउटपुट निकलता है उस आउटपुट को हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समरीज कहते हैं। समरी फॉर्म में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकलती हैं, जिनमें से कुछ को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्पेसिफिक वर्ड भी उनके लिए यूज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो आप लोग बनाते हैं, जो आपने बनाना सीखी है इस टॉपिक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, वो सारी की सारी उसका फाइनल आउटपुट होती है। इस प्रोसेस के अंदर चलते हैं आप, ये जो प्रोसेस है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक ट्रांजेक्शन के अंदर से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना। Now, the process of identification is very crucial, very important. क्योंकि अगर आप identification ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आपके अगले सारे steps खराब हो जाएंगे। Identification की basis होती है कुछ documents जिन्हें हम source document कहते हैं। Source document से हमें पता चलता है कि कोई transaction हुई है। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट को कैसे मेंटेन किया जाता है, इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें सोर्स डॉक्यूमेंट से मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज परचेज की है तो आपके पास उसका परचेज इनवॉइस होगी जो कि आपको मिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बैंक में कुछ पैसे जमा कराए हैं तो आपके पास डिपॉजिट स्लिप होगी।
फॉर एग्जाम्पल आपके कस्टमर ने आपको कोई ईमेल की है और उस ईमेल के ऊपर उसने आपसे कुछ रिक्वेस्ट की है या आपको बताया है कि यार ये ट्रांजैक्शन हो गई है, तो वो इवन वो ईमेल का स्क्रीनशॉट इज योर सोर्स डॉक्यूमेंट जिसकी बेसिस के ऊपर आपने इंफॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि हर वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये अथॉरिटी है, जो ठीक है, जो प्रॉपरली चेक्ड है, साइंड है, जिसकी बेसिस पे हम लोग एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। परचेज के केस में डिफरेंट टाइप के परचेज के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेंटेन होते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन आगे मूव करते हैं जी, मैयर। हम लोग ट्रांजैक्शन को मैयर करते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन। हम ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कोई डिस्काउंट्स हैं तो वो कैसे हैंडल किए जाएंगे, अगर कोई उसमें डिफरेंट फिगर्स मौजूद हैं, कुछ कोटेशंस हैं, कुछ उन्होंने आपको डिस्काउंट्स बल्क में दे दिए, कुछ आपसे अमाउंट ले ली, कुछ आपसे कहा कि बाद में अमाउंट ले लेंगे, जो बाद में अमाउंट लेंगे वो कौन सा रेट पे लेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है ना, दिस हेल्प अस इन टू मेजर द इफेक्ट और द इम्पोर्टेंस और द नंबर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। तीसरा स्टेप है रिकॉर्ड करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस कर रही होती है, यानी कि उनका पर्पस होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। तो हम यहां पे सीखते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। उसके बाद उसको समराइज करना। समराइजेशन मींस कि आपने उनके टी अकाउंट्स बनाए हैं, आपने डे बुक्स बनाई हैं, उसके बाद आपने उनको समराइज किया है, और समराइज करने के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है। तो ऑल दीज स्टेप्स मीन कि हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समराइज कर रहे हैं, और समराइज करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेट करने का मतलब ये कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। तो जनाब इस सारे के सारे इंफॉर्मेशन के अंदर एक एक लफ्ज जो है वो मोती परोया हुआ है। इस एक एक लफ्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। तो हम लोगों ने ये बात की है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई मेजर रिकॉर्ड समराइज एंड कम्युनिकेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन से मुराद वो वाली इंफॉर्मेशन दैट मीन्स समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कैश, ठीक है जी। तो उसे हम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म करता है, क्योंकि उसने प्रॉफिट कमाना होता है अपनी इस तरह की एक्टिविटीज से। ये डेफिनेशन अभी यहाँ पे खत्म नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रोसेस ये काम क्यों करता है, इसलिए करता है टू एनेबल द स्टेक होल्डर्स टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द एंटिटी। स्टेक होल्डर से मतलब वो लोग जिनका बिजनेस में स्टेक है, वो लोग जो बिजनेस के ऑनर्स हैं, वो लोग जो बिजनेस से फायदा हासिल करते हैं, वो लोग जिनको बिजनेस के नुकसान उठाने से नुकसान होगा, ये सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर कहलाते हैं, बिजनेस के स्टेक होल्डर कहलाते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को इसलिए कम्युनिकेट की जाती है ताकि स्टेक होल्डर उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजंस ले सकें और उस बिजनेस एंटिटी का जो पर्पस है उसको फुलफिल कर सकें। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देता होता हूँ कि अकाउंटिंग जो है ये नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। सब लोग अपनी जिंदगी में अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी अकाउंटिंग करते हैं। जिसके मैं एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देता हूँ कि लेट सपोज के दो दोस्त जो हैं वो गए कहीं शॉपिंग करने के लिए। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर शॉपिंग की, किसी की एक की पेमेंट एक जगह पे एक ने कर दी, दूसरे पे दूसरे ने सारों की पेमेंट कर दी,
और इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है ना उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपस में गड़बड़ हो गई। तो जनाब उसके बाद जब आप लोगों ने आपस में एक उधार बनाया, एक 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 डिटेल बनाई, उस डिटेल के ऊपर आपने लिखा कि मैंने तुम्हारे इतने देने हैं, तुमने मेरे इतने देने हैं, तो डेट इज समथिंग जो कि हम खुद करते हैं। आजकल आप लोगों को अक्सर फेसबुक के ऊपर एड नजर आती होगी इजी खाता एप्लीकेशन की, और इजी खाता एप्लीकेशन क्या है, जिसमें वो यही मसला बताते हैं कि फलां साहब के इतने पैसे देने थे, फलां साहब से इतने पैसे देने थे उनको, तो वो जनाब इस तरह से कर करा के उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं। तो हम लोग अपनी अपनी अकाउंटिंग खुद करते हैं, हर दुकानदार जब अपना खाता मेंटेन करता है तो खाते को अंग्रेजी में अकाउंट कहते हैं, तो जब वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होता है अपने, तो इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ उसे ही समझ आती है, वो हमें समझ नहीं आती। उसकी वजह ये है कि उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर, उस फाइनेंशियल प्रोसीजर के अंदर उसने अपने हिसाब से प्रोसीजर्स डिफाइन किए हुए हैं कि यार अगर किसी से मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं एक कॉलम में लेफ्ट साइड पे उसे लिख दूंगा, किसी से को मैं कोई सामान दूंगा तो वो उसी कॉलम में राइट साइड पे लिख दूंगा, और फिर उसके बाद इस तरह से उसको जमा कर लूंगा। यानी कि उसका एक अपना तरीका कार है जिसको देख कर किसी और बंदे को समझ नहीं आएगी कि इसने ये क्या किया हुआ। तो फिर जनाब बहुत सारे बड़े सर जोड़कर बैठे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बना लें, एक ऐसा तरीका कार बना लें कि आप अपनी अपनी अकाउंटिंग करें, लेकिन किसी तीसरे बंदे को जब वो कागज नजर आए तो उसे समझ आ जाए कि इस चीज का यहाँ पे लिखने का मकसद क्या है, इस चीज का यहाँ पे लिखने का पर्पस क्या है। तो बजाय इसके कि हम लोग उस बंदे को पकड़ के ढूंढते रहे कि यार ये जो तुमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है, उसे ढूंढते रहे और फिर उसे पूछे कि यार ये जो तुमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है उसका मतलब क्या है, हम लोग एक ओन वर्जन की जगह पे हम लोग एक यूनिवर्सल वर्जन बना लेते हैं, यूनिवर्सल वर्जन ऑफ अकाउंटिंग, और सब लोग उसी एक यूनिवर्सल वर्जन ऑफ अकाउंटिंग को किया करेंगे। अब वो यूनिवर्सल वर्जन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अगर कैश से कोई चीजें परचेज की जाएंगी तो उसको हम लोग ऐसे लिखा करेंगे, उसकी हम डबल एंट्री बनाकर उसको परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट लिखा करेंगे हमेशा। अब आपको दुनिया भर में कहीं पे भी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट लिखा हुआ नजर आए तो आप समझ जाए कि इन्होंने कोई चीजें परचेज की हैं। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि उस बिजनेस का, जिस बिजनेस की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, उसने किया क्या है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कागज आता है जिसपे लिखा हुआ है परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज ऑफ कार डेबिट एंड कैश क्रेडिट बाय रुपीज 4 मिलियन, 4 मिलियन। इसको देखकर मुझे ये समझ आ जानी चाहिए कि ये जो बिजनेस है ये गाड़ियों का बिजनेस है, ये गाड़ियां परचेज करके सेल करता है, क्योंकि जब इसके पास गाड़ी आई है तो इसने परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट किया है। सही है, अगर एक बिजनेस ऐसे एंट्री करता ना, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे लिख रहा होता कार, तो फिर मुझे पता चल जाता कि इस बिजनेस का कोई और काम है, इसका मेन काम कार परचेज करके सेल करना नहीं है। वही सेम गाड़ी है, उसी तरीके से परचेज हो रही है, लेकिन अगर उस गाड़ी को परचेज करके सेल करना बिजनेस का मेन पर्पस है तो बिजनेस उसे कहेगा कि मैंने परचेज की है, वो उसे इन्वेंट्री में लिखेगा, और अगर बिजनेस ने ये एंट्री पीपीई में करता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, तो हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि ये कार बिजनेस ने अपने इस्तेमाल के लिए ली है और इसे वो खुद इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स ए यूनिवर्सल मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो सब जानते मानते समझते हैं अंडरस्टैंड करते हैं, अदरवाइज हम लोग अपनी अपनी अकाउंटिंग खुद करते रहते तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप करने जा रहे हैं उसका एंड रिजल्ट अगर एक दफा देख लिया जाए तो बड़ा बेनिफिशियल होता है, हमें पता चल जाएगा कि हम एक्चुअली किधर जा रहे हैं, वेयर वी आर हेडिंग। इस वक्त आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एक बिजनेस की, इसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो ज्यादा इसका बेहतर नाम है, अब जो यूज होता है उसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, लेकिन पुराना नाम इसका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज है, ये है एक ऐसी शीट जिसमें तमाम बैलेंसेस मौजूद है।
सिमिलरली यहाँ पे ये दूसरी साइड पे जो आपके पास स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मैं ये बताना चाहता हूं कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो इतना डेलिकेट है, वो इतना कंसिडरेंट है, वो इतना अच्छा है कि जब हम उससे चीजों को समराइज करते हैं तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी किस्म का अभाम नहीं रहता, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहती। अब अगर आप गौर से देखें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो यहां पे लिखा हुआ है सेल्स। तो इस बिजनेस ने जो सेल्स की है 2020 में, यानी कि जो इसका करंट ईयर है, इसने 26 बिलियन की सेल्स की है। पिछले साल इसने 28 बिलियन की सेल्स की है। अब सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चल जाएगा कि पिछले साल इसने ज्यादा सेल्स की थी, इस साल इसने कम सेल्स की है। तो एक बिजनेस जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, उसके बिजनेस का मुझे यह भी नहीं पता कि वो कहां पे है, मुझे ये जरूर पता चल गया कि उस बिजनेस ने जो टोटल सेल्स की है वो 26 बिलियन की है। ये मैं बिलियन इसलिए पढ़ रहा हूं कि 26 और उसके साथ मिलियन, तो ये तो मिलियन बन जाता है, लेकिन इसके साथ क्योंकि ऊपर 3 जीरो लिखे हुए थे, इसका मतलब है कि ये एक्चुअली इतनी अमाउंट है, 26 बिलियन। दो सौ 65 करोड़, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से जब हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हमें बहुत सारी चीजें यहां से देखकर पता चल जाती हैं। अब आपको तो शायद ये फिगर्स लग रही होंगी, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के और अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 20 ऐसी बातें बता सकता हूं आपको जो बिल्कुल ठीक बातें होंगी कि ये बिजनेस जो है इसमें क्या चल रहा है, इस पूरे साल के दौरान बिजनेस ने क्या किया होगा, इस पूरे साल के दौरान बिजनेस ने क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की होंगी, इसने शेयर इशू किए या नहीं किए, इस साल इसको कितनी इनकम हुई। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और इनशाला जब आप लोग भी सीए के अंदर एक्सेल करेंगे, जब आप भी आखिरी स्टेजेस पर पहुंचे होंगे, तो आपके लिए ये वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होगी। अगर आप लोगों ने में से किसी ने शर्लॉक होम्स मूवी या सीजन देखा है तो आपको पता चलेगा कि वो जैसे ही किसी की तरफ देखता था, उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से नजर आना शुरू हो जाती थी, उस बंदे के एक करेक्टर के बारे में, उस बंदे की एक्टिविटीज के बारे में, उस बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में। तो मुझे यहाँ से इस बिजनेस की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसने वही रूल्स फॉलो किए हैं जो रूल्स मैंने पढ़े हैं, उसने वही बातें की हैं जो बातें उसको पढ़ाई गई थी और वही बातें मुझे भी पढ़ाई गई थी, और हम दोनों को सेम उस यूनिवर्सल मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं हम लोग। तो जनाब पूरी दुनिया में सिमिलैरिटी लाने के लिए ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि एक बिजनेस करता है, उसमें सिमिलैरिटी लाने के लिए हम लोगों ने एक सिंगल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर हम लोग डन कर लिया है। हमने कहा यार ठीक है, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना इसी तरीके से हम बनाया करेंगे, जब ये ट्रांजेक्शन होगी तो ये काम करना है, ये ट्रांजेक्शन होगी तो ये काम करना है, ये ट्रांजेक्शन होगी तो ये काम करना है। तो उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं और वही हम लोग अब पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये जो पूरा मैंने मुद्दा बयान किया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है और इसको इसका पर्पस क्या है, ये आपको समझ आई होगी।